इन साइडों में गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है और थोड़ी भी फिसलन होगी तो गिरना पक्का है। देख, ये मेन रोड है जो कि यहाँ पर से अगर बंद हो गया तो इस साइड के पूरे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि मेन रास्ता यहाँ है पर ये। देखिए, यहाँ पर भी पूरा गंदा ही सड़क है, इतना गंदे सड़क है ना इस रोड पे, क्या ही बताएं, पूरा कमर दर्द करने लग गया, इतने झटके लग रहे हैं। तो हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात दोस्तों। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 7 बजे से, और मैं जा रहा हूँ इस वक्त सराय खेत की तरफ। और अभी मैं जा रहा हूँ आज अकेले ही, क्योंकि बलवंत भाई आए नहीं, तो मुझे ही आज गाड़ी ले जानी है, और वहाँ से मेरे भाई आ रहे हैं, तो भाई को लेने मैं जा रहा हूँ सराय खेत, क्योंकि उधर सड़क ख़राब हो रखी है तो गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं इधर। तो इस कारण गाड़ियाँ जो भी हैं रामनगर से आने वाली, वो वहीं रुक जा रही हैं, तो उनको लेने के लिए मैं यहाँ से बाइक लेके जा रहा हूँ। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ सड़क में। और मौसम की बात की जाए तो मौसम देख सकते हो, पूरा कोहरा लगा हुआ है पहाड़ों में, और आसमान में पूरी बारिश का हो रखा है देख सकते हो, पर हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है, धूप की भी एक हल्की चमक बनी हुई है। और यहाँ से देखिए पूरा बादल लगे हुए हैं, देखो कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है पूरे चारों तरफ देख सकते हो, इस साइड भी देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने गांव के सड़क में, और पहले बाइक में पेट्रोल भराने मुझे जगतपुरी जाना है, तो उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ बाइक के सामने, और पहले तो बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो अभी बाइक स्टार्ट करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। और पेट्रोल भी भरा दिए हैं गाड़ी में, और यहाँ से अब सफ़र होता है शुरू सीधे सराय खेत की तरफ। तो जी चलते हैं अब सराय खेत की तरफ जगतपुरी मार्केट से। तो यहाँ से गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चलते हैं, इसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और मैं इस वक्त इस जगह में पहुंच चुका हूं जहां पर से गाड़ी इधर उधर नहीं जा पा रही है बड़ी गाड़ियां, क्योंकि यहां पर यहां पूरी तरीके से गिर गया था ये, ऊपर जेसीबी द्वारा खुदाई की गई है तब जाके सड़क बनी, यहां से पूरी सड़क चली गई थी नीचे। ये देखिए यहां पर तुरंत कार्रवाई काम भी शुरू हो गया है, देखिए तो बहुत अच्छी बात है कि तुरंत काम शुरू हो गया, क्योंकि ये मेन रोड है जो कि यहाँ पर से अगर बंद हो गया तो इस साइड के पूरे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि मेन रास्ता है ये, तो इसी के कारण यहाँ पर बस ट्रक नहीं आ पा रहे हैं, तो छोटी गाड़ियाँ तो चली जा रही हैं, तो जेसीबी ने छोटी गाड़ी लाइक बनाया हुआ है। तो चलते हैं यहाँ से भी, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार का सड़क है, देखिए कितना खतरनाक सड़क है, ऊपर को पूरा ढली हुई है, पता नहीं बस वाले ट्रक वाले किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं। ये देखो काफ़ी गंदा सड़क है, ये सड़क है घनियाल से जस्ट आगे जहाँ पर से चकरगाँव के लिए सड़क जाती है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ उपरे खाल से आगे, घनियाल पहुँचने वाला हूँ मैं, तो मुझे वहीं पर तक ही जाना है, क्योंकि कॉल आया था कि बस घनियाल तक आ रही है। तो चलते हैं यहाँ से, देखिए सड़कों के काफ़ी बुरे हाल हैं, पूरे इसी तरीके के बुरे हाल हैं सड़कों के। तो अभी आगे आगे तो इससे भी खतरनाक सड़क है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पूरा गंदा ही सड़क है, इतना गंदे सड़क है ना इस रोड पे, क्या ही बताएं, पूरा कमर दर्द करने लग गया, इतने झटके लग रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, चलना तो है ही, तो चलते हैं आगे। और इन साइडों में से दोस्तों काफ़ी गंदा रोड है, काफ़ी गंदा, काफ़ी गंदा देख सकते हो, पूरा कीचड़ ही कीचड़, मिट्टी मिट्टी, गड्ढे गड्ढे, इतना परेशान हो रहा हूँ ना बाइक चलाने में, और कमर दर्द अलग हो रहा है, कितनी झटके लग गए ना कमर पे कि इतना दर्द होने लग गया है, मतलब इतना खतरनाक रोड बना हुआ है ना, ये कब से ख़राब हो रखा है, ये 10 साल हो गए आज इस सड़क को इसी तरीके से, पर आज तक इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है इस सड़क पे, इसमें जेस भी आ रही, इसमें खोद रही, इसमें फिर से कीचड़ हो जा रहा है, इतना खतरनाक सड़क बना हुआ है ये, काफ़ी ख़तरा है यहाँ पर बाइकों के लिए। तो बाइक की बात तो छोड़ो, यहाँ पर कारों के लिए भी इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि कारों के टायर भी वहीं फंस जाएंगे, और इतनी गंदी सड़क है कि बताए क्या है, क्योंकि जितनी गंदी बोल सकते हो, इतना गंदा सड़क है ना ये, इस सड़क को देख के तो एक डायलॉग याद आ रहा पंचायत मूवी का, ये वाला डायलॉग सुनिए, ये वाला, अरे हम नहीं चला रहे हैं साला, रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का सौकर बैठ गया लगता है। हम उतर के
के पैदल जाए क्या? अरे ना ना बैठी रहो, ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता। वो बाल में मेहंदी लगाते हैं? और नहीं तो पहुंच चुके घर में, मैंने गाड़ी पार्क भी कर दी है, तो चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों आज का सफ़र बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंजॉय लाइफ, बाय बाय।